कोरोना वायरस को लेकर दुनिया चीन को संदेह की नजरों से देखती है, उस पर इससे जुड़ी कई जानकारियां छिपाने के आरोप हैं। वहीं इस बीच ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस पर चीन 2015 से ही रिसर्च कर रहा है। इसे वो जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इस वायरस ने आज महामारी का रूप ले लिया है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया। इसमें कहा गया है कि चीन 6 साल पहले से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसमें हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है।